अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी मेकअप से रिलेटेड, यानी कि मेकअप की चीज़ों से रिलेटेड। तो आज मैंने अपनी काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें बाय की है मेकअप से रिलेटेड, मतलब आई शेडो, पायलट, हाईलाइटर और भी मतलब काफ़ी तरह की चीज़ें मैंने बाय की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, तो मैं आई शेडो पायलट से शुरू करती हूँ। मैंने जो 4-5 तरह के आई शेडो पायलट लिए हैं, कुछ मेरे पास थे और कुछ मैंने अब बाय किए हैं। तो देखें ये वाले, सबसे पहले ये आई फेस का ये आई शेडो पायलट है, ये मैंने बाय किया। तो इसके अंदर मतलब काफ़ी मज़े के कलर हैं, शिमरी भी हैं और मैट भी हैं, आपको तीन ही तरह के कलर मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से जी होता है जी ओपन, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है और कितने प्यारे इसके अंदर कलर हैं, और ये 4 कलर इसके अंदर बड़े, आप इसको हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये मैं आपको अपनी वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगी बाकायदा अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये इसकी पैकेजिंग है जी। ये तो गया शेडो पायलट, उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं और इसको रख देते हैं हम साइड पे। इसके बाद मैंने ये वाला मिस रोज़ का पायलट बाय किया है, जिसका शेड है जी 02, और ये इसकी पैकेजिंग है जी। इसको हम निकालते हैं अंदर से, इधर ओपन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं जी, और इस तरह से जी होता है ओपन, आप देख सकते हैं। इसमें भी शिमरी कलर है, मैट कलर है और कलर मतलब काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब यानी कि लाइट भी है, डार्क भी है, मिक्स हैं यानी कि कलर। तो ये आप देख सकते हैं जी, इसको भी करते हैं अब हम बंद। इसको मैं अपनी वीडियो में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि आप अपना मेकअप करूंगी, आप मेकअप लुक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। और इसके बाद ये मैंने न्यूर का पायलट बाय किया है जी। ये कुछ हुदा ब्यूटी जैसा नज़र आता है, जैसे हुदा ब्यूटी के होते हैं, सिर्फ न्यूर का है। तो जी इसको हम कर लेते हैं ओपन, और ये इसके अंदर ऐसे मिरर्स भी लगा हुआ है, और ये इसको हम करते हैं ओपन। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए आप कलर, इसके अंदर 18 कलर है, मतलब काफ़ी अच्छे कलर हैं, शेड्स वगैरह ये आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो इसको भी मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने ये एक LED का छोटा सा पायलट बाय किया है, और इसके अंदर भी 18 कलर है, और इसका शेड भी 02 है। तो इसके इसको करते हैं ओपन अंदर से, ये जी इस तरह से है छोटा, आप इसको अपने पर्स वगैरह में रख के कहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए मैंने छोटा बाय किया। तो जी ये इस तरह से है जी। इसके अंदर ना जो स्टार्स वाले कलर होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, ये वो वाले कलर हैं इसके अंदर, और इसके अंदर भी 18 कलर हैं ये, लेकिन छोटे साइज में हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये इसकी है जी पैकेजिंग, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। इसके बाद मैंने ये हाइलाइटर लिया है जी, ये हुदा ब्यूटी वालों का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें 4 कलर हैं, यानी कि ये हुदा ब्यूटी वालों का है, तो इसको भी हम रखते हैं साइड पे। एक मैंने ये वाला हाइलाइटर लिया है जी, ये मुख्तलिफ तरह की शेड्स देता है, ये मेशिया वालों का है, और ये आप देख सकते हैं जी, इसका भी काफ़ी अच्छा टेक्चर था, मुझे पसंद आया था, तो मैंने फिर ये बाय किया। ये मतलब डिफरेंट शेड देता है, आप अपने फेस पे लगाते हैं तो जैसे होता है पीच शेड होता है, ये मतलब एक होता है ना जैसे हाइलाइटर, हर तरह की शेड देता है ये आपके सूट के साथ, जैसे आप ड्रेस वगैरह कैरी करते हैं तो ये उसी तरह की शेड देना शुरू कर देता है। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर ये वाला है। और इसके अलावा है जी एक ये वाला हाइलाइटर मैंने यूज़ किया, ये ब्लश ऑन भी है और हाइलाइटर दोनों यूज़ हो सकते हैं जी। इसके अलावा जी मैंने एक ये ब्लश ऑन किट बाय की थी DK वालों की, इसमें 10 कलर हैं, तो इसका शेड है जी 01,
इसके बाद इसको हम ओपन करते हैं जी। इसमें 10 कलर के आपको शेड मिलेंगे ब्लशों के लिए। आप देख सकते हैं ये इसमें कुछ शिमरी और कुछ मैट हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। इसको हाइलाइटर पे यूज़ कर सकते हैं और ब्लश ऑन भी। लेकिन ये मैंने ब्लश ऑन के लिए यूज़ की नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े के कलर हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये है जी इसकी पैकेजिंग और ये है जी इसका कवर। तो इसको भी हम साइड पर रखते हैं। तो ये मैंने मिस रोज़ के लिए है, इस पर लिखा हुआ ब्लश ऑन है, लेकिन ये मैंने कंटूर के लिए यूज़ करनी है क्योंकि इसके जो कलर है कुछ लाइट हैं कुछ डार्क हैं। ये जो सारे होते हैं ना कंटूर वाले कलर, ये वो वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये बहुत ही मज़े के कलर हैं और बहुत ही अच्छे न्यू, जिस तरह कहते हैं लाइट से कलर और डार्क भी हैं। आप इसमें हर तरह के आपको कंटूरिंग के लिए कलर मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से हैं, इसके अंदर आपको 8 कलर मिलेंगे, ब्रश के अंदर आपको 10 कलर मिलेंगे। और ये इसकी पैकेजिंग है जी, ये तो इसको भी हम रखते हैं साइड पर। और इसके बाद मैंने एक ही मिस रोज़ का प्राइमर बाय किया था, ये इस तरह से है ट्यूब के अंदर। तो आप देख सकते हैं जी, ये मिस रोज़ का ही काफ़ी अच्छा प्राइमर है, जेल फॉर्म में। जैसे आपके ओपन पोर्स वगैरह होते हैं, आप इसको ना 5 मिनट पहले यानी कि मेकअप से लगा लें और 5 मिनट के लिए अपने फेस को छोड़ दें, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो एक ये वाला मैंने बाय किया था, इसकी ये पैकेजिंग है। तो इसको रखते हैं हम साइड पर। और इसके अलावा ये मैंने मिस रोज़ का पाउडरी फॉर्म में ब्लश ऑन प्लस हाइलाइटर, यानी कि कह सकते हैं आप इसको ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडरी फॉर्म में होता है जिसका शेड है पिंकिश। अभी मैं इसको खोल के नहीं दिखाने वाली, अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। मैं किसी वीडियो में आपको यूज़ करके इसका शेड ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं जी, ये मिस रोज़ का पाउडरी फॉर्म में है, हाइलाइटर प्लस ब्लश ऑन। और इसके अलावा मैंने बाय किया था ये एक हेयर स्प्रे, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब लोन बालों का है जी। और इसके अलावा ये मैंने बड़ा पैक ले लिया था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी बालों में देखा है इसको यूज़ होते हुए, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है और मैं ये वाला बाय किया था मैंने। तो और इसके अलावा मैंने मेकअप की जो चीज़ें बाय की थी, एक मैंने ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, सॉरी बाय किया है। तो जी ये देखिए, इसको अंदर से निकालते हैं, निकल जाओ। जी ये मैंने एक मिस रोज़ का लूज़ पाउडर लिया है जिसका शेड है जी 10। और इसको अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि लूज़ पाउडर होता है आपको पता है, ऊपर से मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ जी। इस तरह से है, इसके साथ एक ये आपको पफ टाइप सी चीज़ मिल जाएगी जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको उससे ही यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैंने बाय किए थे जी ये नेल, फेक नेल। अपने हाथों पर भी मैं नेल नहीं बढ़ाती क्योंकि मुझे काम वगैरह करना होता है, तो इस वजह से। और फिर मैंने ये नेल बाय किए थे, आप देख सकते हैं जी, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में अपनी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे इसमें 2 शेड हैं, एक यानी कि जैसे न्यूड कह दें और एक शिमरी, यानी मिक्स हैं। ये मिक्स करके आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी जी। इस तरह से जी अंदर से है, इसको हम करके दिखाते हैं ओपन। इसमें 24 पीस हैं और एक इसके साथ ये गम निकलती है, लेकिन ये गम किसी काम की नहीं होती, मैं इसको एल्फी के साथ अप्लाई करूँगी जी। आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये मतलब होगा, हम इसको रखते हैं जिस साइड पर। और इसके बाद मैंने ये वाली 2 आईलैशेस बाय की थी, एक ये वाली थी और एक ये लाइट सी, यानी कि आप कहीं जाएं जिस तरह लाइट आप जा रहे हो मेकअप करना, तो मतलब ये बिल्कुल लाइट सी होती है, ये वाली मैंने बाय की थी। और एक ये हल्की सी थोड़ी सी हैवी है ये वाली, अपने मैं अपने यानी कि मेकअप में वीडियोस में यूज़ करती हूँ आपके साथ। उसके बाद जी मैंने ये फेस पाउडर यूज़ बाय किया था फिट मी का। और इसका शेड क्या है जी, इसका शेड
जी इस पे शेड्स वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो ये इस तरह से है अंदर से, ये फिटनी का है। और इसके बाद इसके अंदर एक ये मिरर है और एक ये स्पंज है, तो इसको हम करते हैं जी बंद। और ये इसकी है जी पैकेजिंग, और इसको भी हम रखते हैं साइड पर। और इसके बाद मैंने जो यानी कि फाउंडेशन बाई की है, एक ये मैंने फिटनी की है जिसका कलर है जी 02, और ये फेयर टोन में आ जाती है। जिनका कलर मेरे जैसा है वो ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर जिनका कलर मुझसे ज़्यादा फेयर या मतलब है गंदुमी है तो वो अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। तो जी इस तरह से है जी इसकी पैकेजिंग। इसको भी रखते हैं हम साइड पर। और इसके बाद ये मैंने माइलो की फाउंडेशन यूज की है जो कि है सीसी, और आप देख सकते हैं इसको हम करते हैं जीओ पर। इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है। इस तरह से इसका कवर है, और सॉरी ये कवर के साथ ही बाहर आ गई तो कोई बात नहीं। तो देखें जी इस तरह से है, ये पंप में है, ऊपर से कवर ओपन हो जाता है। और इसकी ये है जी इसकी पैकेजिंग, और इसको भी हम रखते हैं साइड पर। और एक ये मैंने क्रिस्टीन की स्टिक बाई की थी जी, जिसका शेयर था ये फेयर में है ये, और मतलब ये आप देख सकते हैं जी स्टिक मैंने बाई की थी क्रिस्टीन की। इसका शेड वैसा होता है जैसे कि टीवी पेंट स्टिक 45 शेड होता है, वैसे ही होता है। इसके ऊपर शेड्स वगैरह नहीं लिखा हुआ, मैंने वैसे ही चेक करके बाई की थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसका शेड्स वो वाला है। तो जिसको करते हैं बंद, और ये है जी इसकी पैकेजिंग इस तरह से, और इसको साइड पर रख देते हैं। और इसके बाद मैंने ये मिस रोज़ की एक फाउंडेशन ली थी, ये ट्यूब में है, और ये मैट फाउंडेशन है। ये काफ़ी अच्छी है, मतलब आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने भी इसको बाय किया है जी, अब देखेंगे, अभी मैंने यूज़ नहीं की, अब हम इसको यूज़ करेंगे जब मैं आपको बताऊँगी कि कैसी है कैसी नहीं है जी। इस तरह की है जी इसकी पैकेजिंग, इसको भी साइड पे रखते हैं जी। और इसके अलावा मैंने ये लिए थे 3 लिपस्टिक के कलर, एक ये पिंक वाला है, तो इसको हम दिखाते हैं हाथ पे लगाने के बाद। ये पिंक सा कलर है, और एक ये वाला मैंने लिया था लाइट कलर, क्योंकि मैंने वीडियो में यूज़ करना तो मेरे पास ज़्यादातर डार्क कलर थे। और एक ये मैंने लिपस्टिक ली है जिसका शेड्स है रेडिश में, मेहरून में, मतलब मिक्स में है। तो ये मैंने 3 लिपस्टिकें बाय की थी, मतलब 2 लिप ग्लॉस हो गए, एक लिपस्टिक हो गई। और इसके अलावा मैंने ये 2 ग्लिटरी शेड में ये छोटे वाले यूज़ किए थे, क्योंकि ये मतलब अक्सर नहीं होते पायलट में, तो इसलिए मैंने ये वाले बाय किए थे। और इसका ये देख सकते हैं जी, अब पता नहीं आपको नज़र आ रही है नहीं, मोबाइल में मुझे नहीं नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं आपको इसलिए ऐसे ही दिखा देती हूँ ये। और इसके बाद ये मैंने एक फेस वाश यूज़ किया था, तो मतलब ये वाला एक बाइक है, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। और मैंने एक लिया था ये मेकअप रिमूवर किस ब्यूटी वालों का, एलोवेरा का बना हुआ जी, मेकअप रिमूवर ये बहुत ज़रूरी रहता है, तो मतलब दाने वगैरह निकल आते हैं जैसे अक्सर स्किन पे मुझे निकल आते हैं तो इस तरह से है जी इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है इसकी पैकेजिंग, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इसका तो इसको हम रखते हैं जी साइड पर। और इसके बाद ये मैंने एक बॉब का मस्कारा बाय किया था, तो देखते हैं जी इसकी इस तरह से इसकी पैकिंग, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, सॉरी, तो इसका मैं चेक करी हूँ,
काफ़ी ठीक है, मतलब आपके आई लैशेज़ को काफ़ी लॉन्ग यानी कि और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये उतरता नहीं है, मतलब इसको ना आप वैसलिन लगानी पड़ती है फिर उसके बाद ही उतरता, वरना आपकी पत्तियाँ भी साथ आ जाती है। तो ये है जी, ये वाला बाइक है, इसको रखते हैं हम साइड पर। और ये मैंने दो बाइकें थी जी पेंसिल, जिनमें से एक हम जिसको मोटी पेंसिल बोलते हैं और एक ये पतली वाली, तो ये वाली पेंसिल मैंने बाई की थी, इनके कलर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने फिर ये वाली बाई कर ली थी। और उसके अलावा एक ये वाला कलर, ये दो बाई की थी। और इसके अलावा मैंने दो ये आइस पेंसिल बाई की थी, मिस रोज की हैं दोनों, एक न्यूड कलर में और एक वाइट कलर में है जी। इस तरह से है जी इसकी पैकेजिंग, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। आप ये है जी न्यू कलर में, और इसके अलावा आपको दिखाते हैं वाइट कलर वाली भी, ये हम आइस में यूज़ करते हैं जी आजकल, ये काफ़ी इन हुआ हुआ है न्यू में और ये वाइट में। तो ये इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके बाद ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर बाय किया था। ये तो मैं काफ़ी लेके रख लेती हूँ, लेकिन अब ये साथ में एक ही लेके आई थी। और इसके अलावा ये मैंने एक नेल शाइनर बाय किया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं नेल छोटे रखती हूँ, तो वो मैं इसको अपने नेलों पे ऐसे करके यूज़ कर लेती हूँ जब मेरा दिल करता है कभी, तो इससे आपके नेलों पे आ जाती है शाइनिंग, जो आपके नेल काम वगैरह करके रफ़ हो रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके नेलों पे आ जाती है शाइनिंग जी। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी पार्लरों वगैरह में यूज़ होता है, तो आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हैं, नेल पॉलिश से पहले यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे नेल पॉलिश से पहले यूज़ करते हैं तो आपकी नेल पॉलिश पे शाइनिंग आ जाती है, आपको ऊपर कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेल खुद ब खुद आपके शाइन करना शुरू हो जाते हैं। तो आप नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। आप देखते होंगे ड्रामों में, फिल्मों में, मतलब लड़कियों के नेल बड़े शाइन कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार हमारे क्यों नहीं करते, वो यही वजह होती है कि उनके नेल शाइनर वगैरह अच्छे वाले यूज़ होते हैं, वो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो नेल शाइन करना अंदर से जो चीज़ ग्लो करती है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसको कोई चीज़ भी आप अप्लाई करें तो वो शाइनिंग लगती ही है। तो ये वाला है जी नेल शाइनर। और इसके अलावा मैंने ये अप्लाई यूज़ किए थे, मतलब बाय किए थे ये दो लाइनर हैं जी, ये दो लाइनर मैंने बाय किए थे। और ये इसकी पैकेजिंग है छोटी सी खूबसूरत सी, एक ये वाला मैंने बाय किया था जी, इसकी पैकेजिंग भी बड़ी खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी है जी। और एक ये मैंने ब्लैक पेंसिल बाय की थी, इसको आप हल्का सा लाइन नीचे की तरफ या लाइनर के ज़रिए और मतलब आई ब्रोज में, मतलब काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है ब्लैक कलर, तो ये मैंने एक ब्लैक पेंसिल बाय कर ली थी। और इसके बाद ये मैंने एले गर्ल के दो प्रो कंसीलर, एक ये कलर करेक्टिंग जिसे बोलते हैं, और मतलब ये मैंने बाय किया था ये जो ऑरेंज शेड में होता है, और एक ये फेयर शेड में है जी, येलो स्टोन में कह दें उसे, ये मैंने दो बाय किए थे। और इसके अलावा एक मैंने ये ब्लश ऑन के लिए ब्रश बाय किया था, और मेरे पास ब्रश है तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लेती, तो सिर्फ मैंने ये एक बाय किया था जिसको। और इसके अलावा मैंने दूसरी बाय की थी वो ये है, एक मैंने ये सीरम बाय किया था, मतलब बाय तो मैंने दो तीन किए थे, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी वीडियो लेट बनाई है तो यूज़ कर लिया, मैंने एक दो दे दिए किसी को, तो एक ये वाला अपने लिए मैंने रखा हुआ है। और सबसे ज़रूरी है कि मैंने केराटीन का हेयर मास्क ट्रीटमेंट ये मैंने बाय किया है, ये मैं आपको अप्लाई करके किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब ये मैंने अपने बालों के लिए, जिससे आप बड़े बड़े पार्लरों में जाते हैं तो आपको काफ़ी चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये छोटा पैक मिल रहा था, फिर मैंने कहा चलो एक बाय करके ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा बाय कर लूँगी। ये मैंने सिर्फ एक ही बाय किया था। और एक मैंने ये अर्जेंट फेशियल बाय किया था जो फ्लोटिंग शेड में है, जो के वाइटनिंग जैसे आपको
कहीं जाना हो आपको अर्जेंटली हो तो क्या बच्चों के साथ नहीं ज़्यादा टाइम लगता तो आप ये अर्जेंट पेशेंट यानी कि 15-20 मिनट लगाने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में अपने जरूर यूज़ करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने तीनों चीज़ें बाय की थी और इसके अलावा मैंने एक ये बच्चों का टॉनिक लिया था क्योंकि बच्चों के लिए पाउडर और मतलब परफ्यूम्स वगैरह नहीं यूज़ करती तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ जॉनसन्स वालों का, तो ये मैंने बाय किया था। और इसके अलावा मैंने एक क्लिप ली थी अपने बालों में लगाने के लिए, इसको वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं ऐसे लगा के। और इसके अलावा जी मैंने ये बाय ये मैंने $1 वाली शॉप से बाय किया था लेकिन साथ ही गई थी तो बस मुझे बुला गया था। इसकी प्राइस तो 160 है तो मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ऐसे आप पहन के ना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसको ब्लैक फ्रॉक पे या किसी भी ब्लैक ड्रेस पे कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल एक यानी कि नग के टॉप्स हैं साथ में, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में पहन के ज़रूर दिखाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।